जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी राजनीतिक पार्टियों के बीच पीटीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक राज्य में आर्टिकल 370 फिर से बहाल नहीं हो जाता वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका कहना है कि जब विधायक पद की शपथ ली थी तो उस वक्त राज्य में दो संविधान थे, लेकिन जब तक 370 फिर से बहाल नहीं होगा वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो महबूबा मुफ्ती का ये बड़ा ऐलान देख सकते हैं, एक तरीके से इन्होंने सीधे तौर पे कहा जब तक 370 को लेकर के सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये मेरे लिए भावुक मुद्दा है, उन्होंने ये भी कह दिया, क्योंकि वो ये कहती है कि जिस तरह से 370 को हटाया गया और उसके बाद ये महबूबा मुफ्ती का बार बार कहना है कि आवाम के लिए जो दिक्कतें पैदा हुई हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए जो दिक्कतें पैदा हुई हैं, उनका अधिकार उनसे छीना गया है, लेकिन मैं तब तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक कि 370 बहाल फिर से नहीं हो जाता। News.